अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बनाएंगे चटपटी बोटी। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ गोश्त लिया है, इसको छोटे पीस में कट करके अच्छे से धो लिया है। इसको हम कुकर में लेंगे, साथ ही में इसमें लेंगे गरम मसाला, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग। यहाँ हम एक कपड़ा लेंगे कॉटन का, उसमें हम धनिया सौंफ इसकी पोटली बनाकर हम इसमें मिलाएंगे। से बोटी में अच्छी खुशबू आती है। हम प्याज इसमें लेंगे, एक प्याज ही लेंगे, उसको पतले पतले काट के इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी लेंगे, एक कटोरी पानी लेंगे और इसको हम गैस पे रख देंगे गलने के लिए। चार सीटी आने तक हम इसको रख देंगे। चार सीटी बाद हमने गैस बंद कर दिया था, अब हम इसको चेक करेंगे। पहले तो हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। अब हम इसको इसमें जितना भी पानी है हम तेज आंच पे रख के इसका पानी सुखा लेंगे। पानी इसका सब सूख गया है, अब हम इसको हटा के कढ़ाई चढ़ा देंगे। सारे पीस को हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। इसमें जो खड़े मसाले डाले थे हम उसको निकाल देंगे। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। बेसन लेंगे एक बड़ा चम्मच, नमक, दही, हरी मिर्च, किसी लाल मिर्च हम एक चम्मच भर के लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा, ये भुना पिसा जीरा है, काली मिर्च आधा चम्मच, चाट मसाला,
चाट मसाला भी हम लेंगे आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लेंगे नींबू का रस, आधा नींबू का रस लिया हमने। यहाँ तेल गरम हो गया है, अब सब हम इसको तेल में बिछा देंगे। अब इसको हम ढक के 5 मिनट यूं ही पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, हम इसे चेक करेंगे। ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। बस 2 मिनट इसको और हम ढक के पकाएंगे। 2 मिनट बाद हमने गैस बंद कर दी थी, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अरे मेरी रेसिपी, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।